हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन आर्ट्स इंडिया। आज के वीडियो में बनाएंगे हम मैक्रमे के दो प्लांट हैंगर्स। इंडोर और आउटडोर डेकोर के लिए बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग है। मटेरियल के लिए हमें चाहिए मैक्रमे थ्रेड्स। ये कॉटन और सिंथेटिक दोनों में मिलते हैं। यहाँ मैंने सिंथेटिक थ्रेड्स यूज किए हैं जो वैरायटी ऑफ कलर्स में मिलते हैं। साथ में हमें चाहिए रिंग एंड सम वुडन बीड्स। फर्स्ट डिजाइन के लिए मैंने रिंग यूज किया है जिसे मैंने एक थ्रेड के हेल्प से हैंग कर लिया है। फिर थ्रेड को काटा है मैक्रमे थ्रेड को हैंगिंग बनाने के लिए। ये 8 मीटर का मैंने एक थ्रेड काटा है और ऐसे हमें 4 थ्रेड्स काटने हैं। अब इन थ्रेड को मैं डबल कर लूंगी और डबल करके रिंग में बराबर से हैंग कर दूंगी और ऐसे ही एक एक करके हमें चारों थ्रेड्स को डबल करके हैंग करते जाना है। अब इन टोटल हमारे पास 16 थ्रेड्स हो जाएंगे एक डिज़ाइन बनाने के लिए। सबसे पहले हम 2 मीटर का एक थ्रेड काटेंगे गैदरिंग नॉट बनाने के लिए। गैदरिंग नॉट के लिए हम थ्रेड के एक हिस्से को ऐसे ऊपर रखेंगे और जितना बड़ा हमें नॉट बनाना है उतना बड़ा एक लूप बनाएंगे। उसके बाद हम दूसरे हिस्से से उसको लपेटना स्टार्ट करेंगे। इस तरह मैंने ये थ्रेड 20 टाइम्स लपेटा है। आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। जितना बड़ा आपको गैदरिंग नॉट चाहिए उतना ही आप उसे लपेटिए। अब इस थ्रेड को हम छोड़े हुए लूप में से पास कर लेंगे और ऊपर वाले थ्रेड को जेंटली ऊपर पुल कर लेंगे और नॉट को सिक्योर कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा थ्रेड को हम ऊपर और नीचे से कट कर देंगे। गैदरिंग नॉट के बाद हमारे थ्रेड का लेंथ इतना रहेगा। और अब हम बनाएंगे हैंगिंग स्ट्रैंड्स, जिसके लिए मैंने 4 थ्रेड्स लिए हैं और यहाँ पे मैं नॉट्स यूज करूंगी, स्पाइरल नॉट। इस वीडियो में यूज किए हुए जितने भी नॉट्स हैं उनका एक प्रीवियसली लोडेड वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे सीख कर फिर कर सकते हैं। स्पाइरल नॉट यहाँ मैंने राइट से स्टार्ट किया है इसलिए मैं हमेशा राइट से ही करूँगी। यहाँ मैंने 65 स्पाइरल नॉट्स बनाए हैं और इससे मेरे हैंगिंग स्ट्रैंड का लेंथ आया है 15 इंच। आप इस लेंथ को वेरी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मुझे इतना ही हाइट चाहिए था अपने हैंगिंग पॉट का इसलिए मैंने इतने ही नॉट्स डाले हैं। और ऐसे ही हमें 4 थ्रेड्स लेके स्पाइरल नॉट्स बनाते जाना है और हैंगिंग स्ट्रेंथ बनाना है। इक्वल रखना है हमें चारों स्ट्रैंड्स को। और ये कंप्लीट हो गए हमारे चारों हैंगिंग स्ट्रैंड्स। अब हम पॉट का बेस बनाएंगे जिसमें हमें पॉट को रखना है, जिसके लिए मैंने 2 हैंगिंग स्ट्रैंड्स लिए हैं और उन दोनों के सिर्फ 2-2 थ्रेड लेकर एक स्क्वायर नॉट फॉर्म कर रही हूँ। यहाँ पर मैं जो स्क्वायर नॉट बना रही हूँ वो मैं पॉट के सर्कमफेरेंस के हिसाब से बना रही हूँ, चौड़ाई के हिसाब से। तो अगर आपका पॉट ज़्यादा चौड़ा है तो आप इस स्क्वायर नॉट को और नीचे से लें। मेरे पॉट का साइज 6 इंच है और उसका सर्कमफेरेंस भी 6 इंच है तो मैंने उसी हिसाब से अपना स्क्वायर नॉट बनाया है। और ऐसे ही अल्टरनेट थ्रेड्स को लेते हुए, 4 थ्रेड को लेते हुए हमें स्क्वायर नॉट बनाना है एक ही लेवल पे। जिस लेवल पे आपने फर्स्ट बनाया है वैसे ही आपको सेकंड नॉट भी बनाना है। ऐसे हमारे टोटल 4 स्क्वायर नॉट्स बनेंगे फर्स्ट राउंड में। आखिर के 4 थ्रेड को जब हम स्क्वायर नॉट फॉर्म करेंगे तो एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा जिसमें हमारा पॉट हम सेट करेंगे। अब नेक्स्ट वीव के लिए जो 2 स्क्वायर नॉट्स हमने बनाए हैं उनके 2-2 थ्रेड्स ले लूंगी मैं। तो हमारे पास 4 थ्रेड्स हो जाएंगे और इनसे मैं बनाऊंगी फिर से एक स्क्वायर नॉट। उतने ही डिस्टेंस पे हमको बनाना है जितने डिस्टेंस पे हमने पहले लिया था। मैं यहाँ पे जाल या मैश जैसा डिजाइन बना रही हूँ पॉट के बेस के लिए। यहाँ
यहाँ पे भी हमारा 4 स्क्वायर नॉट्स बनेगा जैसे कि हमारा फर्स्ट लेवल पे बना था। ऐसे ही हम थर्ड लेवल पे भी वीविंग करेंगे। और ये मैंने किया है फोर्थ एंड फाइनल राउंड। आप ये वीविंग कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी पॉट के हाइट के हिसाब से। और एंड में हम लेंगे अगेन एक गैदरिंग नॉट जैसे हमने टॉप में स्टार्ट करते समय लिया था। यहाँ पे मैंने 12 राउंड्स लिए हैं, आप भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें जितने भी राउंड लेना है वैसे ही करना है हमें, लूप में डाल के और ऊपर से पुल कर देना है। इसके एंड को हम अब इक्वली ट्रिम कर देंगे। तो ये तैयार हो गया है हमारा पहला मैक्रमे का हैंगिंग पॉट होल्डर, जिसे हमने मैक्रमे के 3 नॉट्स को यूज करते हुए बनाया है। इसका टोटल लेंथ है 2 feet 8 inches, यानी कि 32 inches इन टोटल। इसमें 6 inches का पॉट आराम से फिट हो जाएगा। सेकेंड प्लांट हैंगर के लिए हमें लेना है 6 मैक्रमे थ्रेड्स, जिनका की लेंथ है 6 मीटर ईच। मैं इनको डबल कर लूंगी और डबल करके इसका सेंटर ले लूंगी। सेंटर को मैंने टेप कर दिया है और एक साइड से मैं स्क्वायर नॉट्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैं एक रिंग फॉर्मेशन के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कोई भी मेटैलिक या वुडन रिंग यूज नहीं किया है, तो मैं वीव करके यहाँ पे रिंग बनाऊंगी। उसके लिए मैं स्क्वायर नॉट्स यूज कर रही हूँ। इन टोटल हमें 8 स्क्वायर नॉट्स एक साइड में बनाने हैं। सेम प्रोसीजर मैं दूसरे साइड भी करूंगी और वैसे ही 8 स्क्वायर नॉट्स बनाऊंगी। और ये तैयार हो गया है हमारा हैंगिंग के लिए रिंग। यहाँ पर हम फिर से गैदरिंग नॉट बनाएंगे जैसे हमने पहले वाले डिजाइन में किया था, सेम हमको वैसे ही करना है। यहाँ मैंने 12 राउंड्स लिए हैं, आप उसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं। और ये बन गया है हमारा गैदरिंग नॉट। अब हमारे पास टोटल 12 थ्रेड्स हैं, जिनसे हम 3 हैंगिंग स्ट्रैंड्स बनाएंगे। पहले मैं 4 थ्रेड्स ले रही हूँ और स्क्वायर नॉट फॉर्म कर रही हूँ। सबसे पहले इस डिजाइन में हमको 8 स्क्वायर नॉट्स बनाने हैं। नेक्स्ट डिजाइन में हम स्क्वायर नॉट विद हाफ सर्कल बनाएंगे। उसके बाद हम उसमें एक बीड इंसर्ट करके स्क्वायर नॉट से इसको सिक्योर करेंगे और फिर दोबारा एक और स्क्वायर नॉट विद हाफ सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे हम डिजाइन को थोड़ा चेंज करेंगे और स्पाइरल नॉट्स यूज करेंगे। यहाँ पे इन टोटल मैंने 16 स्पाइरल नॉट्स बनाए हैं। अब दोबारा से जो हमने ऊपर पैटर्न बनाया था स्क्वायर नॉट विथ हाफ सर्कल एंड बीटेड पैटर्न, उसको रिपीट करेंगे। अब फिर से मैं स्क्वायर नॉट्स बना रही हूँ। टोटल मैंने यहाँ पर 8 स्क्वायर नॉट्स बनाए हैं। जब भी हम डिजाइन चेंज करेंगे हम स्क्वायर नॉट विथ हाफ सर्कल्स और बीटेड पैटर्न को ऐड करेंगे। अब लास्ट में हम फिर से स्पाइरल नॉट्स लेंगे और यहाँ पे मैंने 16 स्पाइरल नॉट्स बनाए हैं। और ऐसे ही हमें बाकी दोनों स्ट्रैंड्स भी बनाने हैं। हैंगिंग स्ट्रैंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं।
इस डिजाइन में मैंने 3 हैंगिंग स्ट्रैंड्स बनाए हैं। अब नेक्स्ट मैं पॉट का बेस तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने स्क्वायर नॉट्स लिए हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैं नॉट्स बहुत नीचे से ले रही हूँ, क्योंकि पॉट का मेरा जो टॉप है वो थोड़ा चौड़ा है, तो मैं उसके हिसाब से नॉट्स थोड़े नीचे बना रही हूँ। यहाँ पे मैं मैश भी बहुत हैवी नहीं लूँगी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट डिज़ाइन। फर्स्ट डिज़ाइन में मैंने बहुत पास पास नेट बनाया था, और इसमें मैं सिर्फ 2 लेवल स्क्वायर नॉट्स के बनाऊँगी। और फाइनली हम फिर से गैदरिंग नॉट बनाएंगे उसका बेस कंप्लीट करने के लिए, और वैसे ही उसको टाइटली पुल करके सिक्योर कर देना है। और एक्स्ट्रा थ्रेड को मैं नीचे से ट्रिम कर दूंगी। तो ये बन गया हमारा सेकेंड मैक्रमे हैंगिंग पॉट होल्डर डिजाइन, जिसमें हमने बीट्स यूज किया है और रिंग की जगह हमने लूप बनाया है वीव करके। इनमें से आप कौन सा हैंगिंग पॉट होल्डर बना रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।